हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉट अनदर टीन मूवी के बारे में, जो कि 2001 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी की कहानी एक जेनी नाम की लड़की पर है, जो चरम सुख पाने के लिए गप्पा गप करने के अलग अलग तरीके अपनाती है। और जेनी क्या क्या करती है, ये इस एक्सप्लेनेशन में हम बताने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की लड़की को देखते हैं। वो एक पुरानी रोमांटिक मूवी देख रही होती है और उस मूवी को देखकर जेनी के अंदर गप्पा गप करने की इच्छाएँ जाग जाती है। इसके बाद जेनी बाबा मंगलदास का दिया हुआ हथियार निकालती है और उस हथियार को अपने कुएं में डालने लगती है। जेनी चरम सुख प्राप्त करने वाली ही होती है कि वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं और उसको हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं। अभी भी वो हथियार जेनी के कुएं में ही होता है, तो वो अपने डैड के सामने उसको बाहर नहीं निकाल सकती थी। तभी उसके दादा दादी वहाँ केक लेके आ जाते हैं और उनके साथ चर्च के फादर और गली के बच्चे भी आ जाते हैं। फिर वहाँ पे जेनी का डॉग आके जैसे ही उसके ब्लैंकेट को खींचता है, तभी जेनी का हथियार उसके कुएं से निकल कर सीधा आकर केक पर गिरता है, जिसे सभी को पता चल जाता है कि जेनी उसके कुएं में क्या घुसा रही थी। इसके बाद जेनी के डैड उसे और उसके भाई को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। रास्ते में जेनी का भाई उसे बोलता है कि अब तुम्हें बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, पर जेनी मना करती है और बोलती है कि मुझे बॉयफ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर जेनी का भाई उसे बोलता है कि तुम्हें डेट का रोल तो पता है ना, कि पहले तुम गपागप करोगी और उसके बाद तुम मुझे गपागप करने का मौका मिलेगा। इसके बाद उनके डेड उन लोगों को स्कूल छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर स्कूल में जेक नाम के लड़के को दिखाई देता है, जो कि बहुत स्मार्ट होता है, जिसकी वजह से स्कूल की सारी लड़कियाँ अपने उस पर फिदा होती। उसके बाद जेनी के पास रिकी नाम की लड़का आता है, जो उसे बहुत पसंद करता है। रिकी जेनी को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और उसको प्रपोज करने की कोशिश करता है, पर जेनी उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जेनी के भाई को देखते हैं। वो अपने दोस्तों को बता रहा है कि बस अब रुका नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका छोटा काला नाग किसी अंधेरी गुफा में जाने के लिए तड़प रहा है। उसको तो किसी लड़की के साथ गपागप करने की ही गपागप करना ही है। तभी वो अमेंडा नाम की लड़की को देखता है और उसको देख के ही अपना काले नाक की कसम खा के बोलता है कि मैं तो अभी इसी लड़की के साथ गपागप करूँगा। इसके बाद हम जेक को देखते हैं, जो अपने दोस्तों से बातें करता रहता है। तभी वहाँ कैथरीन नाम की लड़की आती है, जो जेक को अपने साथ गपागप करने को बोलती है। दरअसल कैथरीन जेक की बहन ही है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई से ही फैलना चाहती थी। थोड़ी देर बाद जेक की गर्लफ्रेंड आती है और जेक को कुछ ज़रूरी बात कह के बाहर बुलाती है। फिर वो बाहर जेक को बताती है कि मुझे कोई और पसंद आया है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। जेक उसकी गर्लफ्रेंड के न्यू बॉयफ्रेंड को देखता है तो शौक हो जाता है और जेक बोलता है कि तुम इस चोमू के लिए मुझे छोड़ रही हो, जिस पर स्कूल की सारी लड़कियाँ फिदा है। जेक को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उसे छोड़ सकती है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, जो ड्राइंग कर रही थी। वो मेहनत करके अपना ड्राइंग ख़त्म कर देती है और फिर जेक स्कूल से बाहर आता है और देखता है कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड से चुम्माचाटी करती है। फिर जेक का दोस्त उसे बोलता है कि प्रेसला बहुत ही सुंदर है और इस बार भी प्रोमो क्वीन वही बनेगी। वो सुनकर जेक बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेकअप का जादू है, जिसे कोई भी लड़की सुंदर दिखती है। इस पर जेक दोस्तों से शर्त लगाता है कि इस स्कूल की कोई ठरकी लड़की को तुम प्रोमो क्वीन बना दोगे तो तुम जीत जाओगे। तभी सामने से जेनी आती है और जेक का दोस्त जेनी को देखकर बोलता है कि और कहता है कि अब तुम्हें जेनी को ही पटाना होगा। अब जेक ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर शर्त लगाई थी तो करना पड़ेगा। इसके बाद हम जेनी को उसके क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ विकी उसके पोएम से बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, पर जेनी को उसे पोएम समझकर इस बार भी इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ जेनी का हवस से भरा हुआ भाई और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। वो लोग एसी की सीलिंग में घुसकर लड़की के लॉकर रूम में जाते हैं और उन्हें कपड़े बदलते हुए देखते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो सीलिंग टूट जाती है और वो सब जेनी के क्लास में आके गिर जाते हैं, जिसके कारण उन तीनों को डिटेंशन मिलती है। इसके बाद जेक जेनी के पास आता है और उसे अपने साथ डेट पे जाने के लिए बोलता है, पर जेनी जेक को मना कर देती है क्योंकि उसने पिछले 6 सालों से आज तक अभी तक उससे बात ही नहीं की। उसके बाद हम सबको फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं, वहाँ जेक भी बैठा हुआ होता है। दरअसल उसको पिछले मैच में जेक की वजह से एक टीम प्लेयर की जान चली गई थी, जिस वजह से उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया था।
इधर जेनी के मन में भी जैक के बारे में आवाज जग जाती है और वो अपने डैड को उस बारे में पूछती है, बात करती है, और जिस पे उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें जैक के साथ डेट पे ज़रूर जाना चाहिए। दूसरी तरफ जैक भी अपने घर पे जाता है तो वहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है और तुम्हें एक नई गर्लफ्रेंड चाहिए, इसलिए उसके डैड उसकी मॉम को भी भेजते हैं वहाँ पे और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैक अपनी बहन के पास लड़की पटाने के लिए एडवाइस लेने के लिए जाता है, पर उसकी बहन तो उसके ही साथ गपागप करने की सोच रही थी। जैक कहता है कि तुम मेरी बहन हो, तो वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो तुम्हारे साथ ही गपागप करना है। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ लोग जेनी के भाई को पीट रहे थे, तभी वहाँ जैक उसे बचाने के लिए आता है पर जेनी का भाई उसे ही मार देता है। पर इस पे जैक को भी गुस्सा आ जाता है और जैक जेनी के भाई को मारता है। इसके बाद जैक जेनी के लिए भाईजान का गाना गाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, तभी जैक का गाना सुनकर लोग बोर हो जाते हैं तो फिर जैक गाना बदल देता है और अपने गाने में बोलता है कि जेनी के पास गन है। अब जैक के गाने का सुनकर सभी को लगता है कि जेनी के पास सचमुच एक गन है, इसलिए सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जेनी को पकड़ लेती है। इसके बाद वो जैक छुड़ा लेता है और अपने घर पर लेके जाता है। तभी जेनी जैक को कहती है कि प्लीज़ तुम मेरा पीछा छोड़ दो, पर इस पर जैक पूरा नंगा होकर खड़ा हो जाता है, पर जेनी को जैक का छोटा चेतन जरा भी पसंद नहीं आता है और वो चली जाती है। शाम को जैक अपनी बहन के साथ जेनी के घर पे जाता है और उसकी बहन जेनी को पार्टी में जाने को तैयार करती है। थोड़ी देर बाद जब जेनी तैयार हो जाती है तो वो इतनी खूबसूरत लगती है कि वो उसको देखकर जैक का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो तीनों पार्टी में जाते हैं और पार्टी में सब लोग जेनी को देखने लगते हैं क्योंकि जेनी बहुत सुंदर दिख रही होती है। कुछ देर बाद जेनी बहुत ड्रिंक कर लेती है और पार्टी में उल्टी सीधी हरकत करने लगती है। तभी वहाँ जैक की बहन आती है और वो जेनी का सबके सामने मजाक उड़ाने लगती है, जिससे जेनी रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। रात को जैक जोनी को मनाने के लिए जेनी के घर पे जाता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने को तैयार हो जाते हैं। पर जो वो दोनों किस करने के वाले थे तभी वो दोनों कंफर्टेबल नहीं थे तो वो दोनों ये प्रोसेस बाद में छोड़ देते हैं। अगले दिन जैक जेनी के पास आता है और उसे मैच देखने के लिए इन्वाइट करता है। अब जेनी भी जैक को पसंद करने लग रही थी इसलिए वो भी आने के लिए तैयार हाँ बोल देती है। और अगले दिन मैच चल रहा होता है और जैक हमेशा की तरह कोने में ही बैठा हुआ था, पर इस बार जैक की टीम पूरी तरह हार रही थी और टीम के कुछ प्लेयर चोट की वजह से चोट पहुंची थी, इसीलिए कोच जैक को खेलने के लिए बोलते हैं। पर हर बार की तरह इस बार भी जैक कुछ उखाड़ नहीं सकता है और उनकी टीम बुरी तरह से हार जाती है। मैच खत्म होने के बाद जैक काफ़ी उदास होता है, तभी जेनी वहाँ आ जाती है और समझाती है कि गेम में हार जीत तो होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जैक का दोस्त आ जाता है और बोलता है कि आज हम तुम्हारी वजह से हारे और मैं अब जेनी को सब कुछ बता देता हूँ। इसके बाद वो जेनी के कान में कुछ बोलता है, पर अब जैक भी जेनी को पसंद करने लगा था इसलिए वो खुद ही जेनी को सच बता देता है। जैक की बात सुनकर जेनी दुखी हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जैक का दोस्त उसे बोलता है कि मैंने तो उसके कान में कुछ भी नहीं बोला था और तुम जूतिया ने सब कुछ बता दिया। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे और वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को मिस करने लगते हैं। अब प्रोमो नाइट की रात को जैक का दोस्त जेनी को अपने साथ लेकर आता है और जैक अपनी बहन को लेकर आता है। वहाँ जेनी का भी भाई भी होता है जो अमेंडा के पास जाके लव लेटर देता है। जब अमेंडा लव लेटर देखती है और पढ़ती है तो उसे वो अच्छा लगने लगता है और वो जेनी के भाई को भी गपा गप करने के लिए लेके जाती है। दूसरी तरफ जेनी जैक के दोस्त के साथ डांस कर रही थी और जैक अपनी बहन के साथ डांस कर रहा होता है। डांस करते वक्त जैक को उसकी बहन किस करने लगती है और ये देखकर जेनी को अच्छा नहीं लगता है और वो दुखी होके वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे कॉलेज का प्रिंसिपल प्रोमो किंग और क्वीन की अनाउंसमेंट करता है और इस बार भी प्रोमो किंग जैक को ही बनाया जाता है। फिर प्रोमो किंग की क्वीन की बारी आती है और प्रिंसिपल बोलता है कि प्रोमो क्वीन दो लड़की के बीच में टाई हुआ है। ये सुन के जैक की बहन को लगता है कि उसके और जेनी के बीच में ही होगा, पर वो लड़कियाँ तो कोई और थी, इसलिए बाद में जैक जेनी को ढूंढने के लिए जाता है और वहाँ पे उसका दोस्त बताता है कि जेनी गपागप करने के लिए होटल रूम में गई है।
जैक भागकर होटल के रूम में जाकर जा रहा होता है और तभी उसे रास्ते में रिकी मिलता है और वो बोलता है कि मैं भी जेनी को बहुत प्यार करता हूँ। फिर जैक होटल के रूम के पास पहुँचता है जहाँ पे उसे गपागप की आवाज़ सुनाई देती है। अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ प्रेसेला जैक के फ्रेंड के साथ थी, गपागप कर रही थी, और दूसरी तरफ प्रेसेला का बॉयफ्रेंड उसका वीडियो बना रहा होता है। फिर जैक जेनी को ढूंढने के लिए उसके घर पे जाता है तो वहाँ उसके डैड बताता है कि जेनी पेरिस जा रही है और वो अभी एयरपोर्ट पे है। फिर जैक भागते हुए एयरपोर्ट पे पहुँचता है और वहाँ एक फुटबॉल लेके जेनी के मुँह पर मारता है जिसे वो वहीं रुक जाती है। और फिर जैक जेनी को अपने दिल की बात कह देता है और जेनी पेरिस जाने का कैंसिल कर देती है और फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और कुछ इस तरह से ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।